मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि इंदौर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक यह तय किया गया है कि कल से आगामी 5 दिनों तक चोइथराम मंडी, निरंजनपुर मंडी के अलावा सिंधी कॉलोनी और जेल रोड को भी बंद रखा जाएगा। साथ ही 56 दुकानों पर होम डिलीवरी की परमिशन ही दी जाएगी। मार्केट में दुकानें भी एक एक साइट की खोली जाएंगी। रात्रि कर्फ्यू का पालन रात 8 बजे से सख्ती से कराया जाएगा। राजनीतिक आयोजनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार पेशेंट की जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है उसको लेके पूरी आपदा प्रबंध समिति चिंतित थी और उसको लेके जिस प्रकार कल सभी संबंधित डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे हमारी डॉक्टर की फैकल्टी हो, एमआर के हो, सीएमएचओ डीन हो, उन सबसे जो बात हुई थी, संभायुक्त जी खुद स्वयं थे और हम सब थे, उसमें जो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी उसको लेकर आज प्रबंध समिति की, आपदा प्रबंध समिति की बैठक हुई थी और उसमें वो सब चीज़ों को जिला प्रशासन ने सबके सामने रखा और सबने ये निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में हम थोड़ी सख्ती करें, क्योंकि कुछ लोगों के कारण बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, तो कुछ लोगों के कारण समाज में नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको लेके सबकी सहमति थी कि कुछ सख्ती होना चाहिए। और सख्ती किस प्रकार से हो, जिला प्रशासन को हमने पूरे अधिकार दिए हैं कि जो इस चीज़ों को वायलेट करे, चाहे वो मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंस नहीं करे या जो आवश्यक निर्देश सैनिटाइजेशन का ऑफिस हो, घर हो, जो बोला गया है उसमें अगर नहीं करे तो वो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और पुलिस प्रशासन भी उसका सहयोग करेगा ताकि जो आने वाले समय में जो हमें डर है उस डर को ध्यान में रखते हुए ये सख्ती की जा रही है। पर एक बात और है, अगर स्थिति ठीक हुई, ये हम सब शहरवासियों की और हम सब की सामूहिक जवाबदारी है, हमारी भी जवाबदारी है और शहरवासियों की भी, कि हम स्थिति को सुधारने में सहयोग करें। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हम फिर बैठेंगे और फिर हो सकता है कि हमें लॉकडाउन की ओर जाना पड़े, जैसे कि हमने कल भी कहा था, पर ये हमारे सबके ऊपर है, शहर वालों के ऊपर है कि हम किस प्रकार की वो करते हैं। जो रात्रि का समय है उस रात्रि के समय में 1 घंटे की कटौती की गई है, अब 8 बजे बंद करने की बात कही गई है। दूसरा, जो कचौरी समोसे और नाश्ते की दुकानों पर भीड़ लगती है उसका समय 12 बजे तक किया गया है, जो कि पूरा दिन तक था, सवेरे नाश्ते का समय सवेरे रहेगा। सब्जी मंडी को लेके जिला प्रशासन बात कर रहा है कि अगर सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में जिस प्रकार के स्थितियां बन रही है, अगर वो नियंत्रण में नहीं हुई तो हमें उस पर भी विचार करना पड़ सकता है।